यस वी आर सक्सेसफुल। देखिए हमारा टब साबुत का साबुत निकल आया है। ये मिस्त्रियों की जो करतूत होती है ना वो ऐसे होते हैं, हाफ आफत में करके गया था इसे, ठीक है। तो हमारी ईंटें जो इसमें डलवाई थी ना वो दिख रही हैं। अब हमें इस पे थोड़ी सी पुट्टी वुट्टी सी लगानी पड़ेगी और इसे ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस तरीके से गैप रह गया है काफी जगह। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मिस्त्री फेल हो गया था। हमने फिर उसे कहा, टास्क दिया, तू कर ये सब सही हो जाएगा। कह रहा इसमें टिकेगा नहीं, ये कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, बहुत बड़ा पेड़ है भाई, सब कुछ पता नहीं। मिस्त्री बन गए बस यूं ही। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से फूल खिल रहे हैं आज, और फूल खिल रहे हैं ये देखिए, बहुत ही प्यारे घने न्यारे और ब्यूटीफुल से फूलों की बहार आई हुई है मेरे गुड़हल के फूल पर। देखें गुड़हल के पेड़ पर कितने प्यारे से फूल खिल रहे हैं ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई साहब। ये थॉर बन गए हैं भाई साहब, क्योंकि ये थॉर हैं। बस मलगिरी रहन दे भाई। अंग्रेज भगोना निकाल, भगोना दूध छानना जल्दी से जल्दी। भगोना होता है जिसमें दूध गर्म करते हैं, हाँ यही भगोना, और इसमें ही दूध छानेगा आज तू, और इसी में ही गर्म करेगा बेटा। कर इसमें, तुझे अंग्रेज बनाऊंगी, और अगर इसमें दूध गर्म नहीं बन तो कटेगा बहुत बुरी तरह से। नो आई कांट स्पीक इन इंग्लिश, मुंह पे अंग्रेजी ना आती। I said never, I can't speak in English. Okay? केरा दूध कहाँ करना है? दूध तो यूरो। हाँ तो उठाना या दूध है? अगर फैल गया ना, तो तू कटाई बहुत जोर से होगी तेरी, देख लीजो। वो कहाँ चन्नी? बोल नहीं आवे ना तो पे। यूरी चन्नी। यू यहाँ यही दही में छान ले है। दूसरी चन्नी लिया, है ना हमें? यूरी एक और। आलू हो गए हैं, ओ भाई, आलू खा खा के ऐसे ही हो जाते हैं। सच में इसने देखो पॉलिथिन में आलू खाया और आलू खा के ये ऐसी हो गई। अभी देख तो लेने दे पहले। तू क्यों है? तो आलू खाओगे ना तो ऐसे ही हो जाओगे। दोपहर हो गई है, 2:30 बजने वाला है और सारा काम हो गया है। झाड़ू पोछा कपड़ा लत्ता बर्तन सब हो गया है। और मेरे पीछे सीड्स देख रहे हैं ना, जो मैंने सीडलिंग ट्रे में ग्रो किए थे सीड्स वो है। और ये देखिए ये है, तो इसमें मैंने जो विंटर फ्लावर्स थे ना उनके सीड्स ग्रो कर दिए हैं। आधे से तो हो गए हैं और आधे से कुछ मुझे और पौधों में डालने पड़ेंगे। बस यही अपडेट देना चाह रही थी आपको कि अगर आपको भी विंटर फ्लावर्स ग्रो करने हैं ना, और ये मैंने कैसे कैसे ग्रो किए हैं उसको आप देख सकते हो, जाकर मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए और देख लीजिए कि मैंने ये ग्रो कैसे कैसे किए हैं। इंतज़ार 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 इंतहा हो गई इंतज़ार की। पीछे कर लियो भाई ऑटो, थोड़ा पीछे कर लो। पीछे कर लो भैया, आ जा। हेलो, आ जाने के कहाँ गए दोनों आगे? आज मैंने बनाए हैं आलू के टोस्ट और आर्ची की इतनी स्पाइसी चटनी है, ये चटनी में भी डाल दिया है पिज़्ज़ा वाली जो मिर्च होती है ना, चिली फ्लेक्स है ये वो पता नहीं क्या क्या डालकर इसने इतनी हाईली हॉट चटनी बना दी है इसमें। ड्रॉर में काम की चीज़ सिर्फ यही थी, बाकी सारा कचरा निकला है इधर।
एक ड्रॉर मैंने उधर साफ करी है, देखिए सारा कचरा निकला है। 90% जो है वो खराब चीजों से हमारी ड्रॉर भरी रहती है। भाई साहब आंटी ने निकाल दिया बहुत सारा कूड़ा। आंटी ये सारा कूड़ा मेरी दवाइयों की ड्रॉर में निकला है। इतनी सारी दवाई बेकार पड़ी थी जो एक्सपायर हुई पड़ी है। इनमें से दवाइयों को निकाल लूँ पौधों में डाल दूंगी, है ना। तो आप भी ऐसा कीजिए, जो ये दवाइयाँ होती है ना एक्सपायरी गोलियाँ जो होती है ना, निकाल कर पौधों में डाल दीजिए। निकलवाना आंटी गोली गोली निकालूँ? हाँ। अरे मेरी भैया गोली गोली कहाँ धरूंगे हैं? एक कटोरी में रख लेंगे, सारी दवाइयाँ निकाल दो, है ना। कभी पेड़े भी लंगड़े हो जा? कुछ नहीं होगा, पेड़े भी स्वस्थ हो जाएंगे आंटी। हाँ ये दवाई हम कोई लंगड़े होने के लिए खाते हैं? ओके पता लगता ना जब आराम खराब हो जा पेड़े। कितनी सारी दवा दे, कितनी सारी? अरे वाह आंटी इतनी सारी निकाल दी, वाह। तरुण का बेटा का है, आंटी को बता देखो पेड़ों में डालनी है दवाई। प्रोजेक्ट का आ गया है चौथा और पांचवा दिन, आई थिंक पांचवा दिन है। ये देखिए ये है वाइट सीमेंट जिससे हम इसके जो फिनिशिंग है वो करेंगे। रेगमाल है, ये देखिए एम्ब्री पेपर जिसे बोलते हैं उससे करेंगे इसकी फिनिशिंग। ये देखिए यहाँ से, अरे क्या गया है यहाँ से? मेरी चुईया मेरे पैर में से निकल के गई है, बदतमीज कहीं की। कौन है वो, कौन है, कहाँ से वो आया? मजदूर, हेलो मजदूर। चल पंखे में बैठ जा थोड़ी देर। नहीं मिली क्या वो? हाँ ये ही तो ढूंढ रही थी, या फिर देखिए कीरी ये मिल गई। ये हमारे किचन का औजार है, बट इसको छोड़ो, ये ठीक है। एक पत्ती ये री काम आ जाएगी नहीं तो हम जो घोल बनाएंगे वो इसमें बना ना ले, बड़े बर्तन की जगह इसमें बना लेंगे। नहीं अरे इसमें बना लेंगे। ये है हमारा डोरीमोन की पॉकेट। भाई सब मिस्त्री लग गए हैं इसको सेटअप करने के लिए, इसका मसाला बनाने। और डालना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा, सही है। सीमेंट तो थोड़ा सा ही बोला तूने। नहीं नहीं सही है, सही है। हाँ लाओ तो मैं लगा रहा हूँ। मुझे पता था मुझे पता था आज ही लगाएगा। चल अरे रहने दे, ज्यादा मिस्त्री मत बनकर। ये इससे थोड़ी लगाया जाता, पुट्टी थोड़ी है ये। ऐसे होगा ना, देखिए यूं होएगा। हम तो थोक के भाव में काम करने वाले हैं बाबूजी। ठेके वाले? ठेके में काम करते हैं।
चार ज्यादा पानी डाल दिया। अजी बाबूजी रोज आटा बनावे हम घर में। ऐसे ही पहले उतारा था सर। अब ये पकड़ के उठाना पड़ेगा। बहुत मशक्कत आराम से। ए भाई साहब अभी तो और खींच तस्करी दो दो तस्करी बाज चश्मा देना। ओहो अब चश्मा ढूंढ के खुद ले गया। मुझे नहीं पता तेरे वाला कहाँ है। थकान हो गई है जबरदस्त वाली और पसीनों में तर बतर हो चुका है आर्चिक क्योंकि आर्चिक ही कर रहा है। मैं तो शूट करे जा रही हूँ तब से। और अर्ची लास्ट ईयर भी हमने एक लाइट बनाई थी बट ये लाइट नहीं है। कभी तो आप सोच रहे हो कि भ्रम में वो लाइट ही बना रहे हैं। लाइट नहीं बना रहे हैं कुछ और ही निकलेगा भाई साहब देख लेना लाइट है या क्या है क्या है पता नहीं है क्या है। लेकिन पिछली बार भी हमने एक DIY बनाया था दिवाली पे। हमें कुछ ना कुछ भूत सा सवार होता है दिवाली के टाइम पे कि हम कुछ DIY बनाएं। तो अब की बार भी भूत सवार हो गया। अब की बार तो भूत भूतनी और जितने भी बड़े बड़े घोस्ट होते ना सब सवार हो गए हैं इस प्रोजेक्ट में। दिखाएंगे आपको बने रहिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना नहीं तो इस प्रोजेक्ट से वंचित रह जाएंगे आप भाई सब। सच बोल रही हूँ मैं आपसे। क्यों अर्ची उठ गई थोड़ी सी तो लपेट के तो नहीं खाता उलझा के खाता है नहीं। और पकड़ के अरे वाह तेरे से तो आ गई। और साबुन से दो बार हाथ धो रगड़ के जा